अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे और विंटर्स इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस टाइम विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठंड तो वहाँ पे भी होगी है। तो आज बहुत दिनों बाद यूनिवर्सिटी आई हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो आज थोड़ी सी मुझे चीज़ें डिस्कस करनी थी। एक ये कि मुझे एक कमेंट बहुत पहले आया था और मैंने कहा था कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और मैं भूल गई बनाना, बल्कि भूल क्या गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पर वीडियोस बनानी है लेकिन कवर नहीं हो पा रही अभी, तो क्योंकि पढ़ाई काम के साथ नहीं हो पा रहा, मतलब रेगुलरली से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही। तो पहली चीज़ जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी वो ये थी कि मेरी एक बहन ने पूछा था कि बच्चों के लिए ऐसा क्या लाया जाए जो बहुत ज़रूरी हो यहाँ पे यूके आने के लिए। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कपड़ों का, तो आपको पता होना चाहिए कि वार्मर्स होंगे, सॉक्स होंगी, ग्लव्स होंगे, जो भी बच्चों की चीज़ें जो आपको बच्चों को अंदर से जो है वो गर्म रखें, क्योंकि हीटिंग सिस्टम तो यहाँ पे है लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अकोमोडेशन पे, कि अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो अगर लैंडलॉर्ड है तो वो आपको हीटिंग ऑल द टाइम चलाने देता है या नहीं देता। क्योंकि जब हम स्टार्ट में आए थे तो हमारा लैंडलॉर्ड, हमारी हीटिंग बहुत कम चलती थी और रान को हम फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो है वो लपेट के रखते थे ताकि उसको ठंडा लगे। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखना है कि उसके सारे गर्म कपड़े आपने ले, बच्चे के तो आपने कपड़े लेके आने हैं, अपने बेशक आप थोड़े कपड़े लेके आए लेकिन बच्चों के कपड़े आपने लाजमी लाने हैं। और यहाँ पे अब ये है कि बड़ों के कपड़ों का तो ये है कि पाकिस्तान का तो मैं आपको कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो कपड़ों के जितने के कपड़े वहाँ पे आएंगे उतने ही यहाँ पे आपको इस वेदर के हिसाब से कपड़े मिल जाएंगे बड़ों के, और छोटों का भी ऐसे ही है। लेकिन जब बच्चा यहाँ पे आएगा तो आप तो शायद सर्वाइव कर सकें यहाँ के वेदर के हिसाब से, लेकिन बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा अगर आप उसको नहीं सही से कवर करेंगे या इस ठंड के हिसाब से कपड़े नहीं पहनाएंगे। तो यहाँ पे पहली चीज़ कवर होगी कि आपने बच्चों के कपड़े लेके आने हैं, दूसरा आपको मेडिकेशन लेके आनी है बच्चे की, जो आप उसके हिसाब से होगी, जैसे उसके पेट के दर्द की हो गई, फ्लू हो गया, फीवर, इन चीज़ों की आपको मेडिकेशन जो है वो बस साथ लेके आनी है बच्चे की। उसके लिए जो हमने काम किया था वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या काम किया था। मैंने जो काम किया था कि मेरा जो फैमिली डॉक्टर है और हान का, हम उसके पास गए थे, उसे सारी कंडीशन बताई थी कि इस तरह हमने जाना है, तो उसने हमें मेडिकेशन लिख के दी थी उसकी जो बहुत ज़रूरी हो, जैसे पेट के दर्द की, फीवर की, फ्लू की, जो भी इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन है वो उसने लिख के दी थी। और वो प्रिस्क्रिप्शन हम लेके गए थे और हमने काफ़ी जो है वो क्वांटिटी में उरहान की मेडिकेशन बाय कर ली थी और वो हम ले आए थे। अल्लाह का शुक्र उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी एक तसल्ली है कि हमारे पास यहाँ पे मेडिकेशन मौजूद है, क्योंकि हमारे एशियन कंट्रीज़ में हम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दे लेते हैं बच्चे को प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, यहाँ पे बच्चे को इतनी जल्दी एंटीबायोटिक्स नहीं देते। तो यहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट का भी इशू होता है कि अपॉइंटमेंट कब आएगी, फिर मेडिकेशन आएगी, फिर बच्चा ठीक होगा, तब तक बच्चा जो है वो आधा ठीक हो चुका होता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने बच्चे के हिसाब से जो है मेडिकेशन जो है वो लेके आए। पीछे वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि बच्चों के वार्म क्लॉथ्स हो गए और बच्चों के मेडिकेशन हो गई कि आप किस तरह बच्चों की मेडिकेशन लेके आए। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो कि नेबुलाइज़र है, क्योंकि बच्चे जब यहाँ आते हैं मौसम बहुत एकदम से चेंज हो जाता है तो उनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है उन्हें बुखार हो जाए, फ्लू हो जाए, तो आप नेबुलाइज़र लेके आएँ, क्योंकि आपका जीपी रजिस्टर नहीं होगा, उसे टाइम लगेगा तो आपके पास हो। और उसके बाद पाउडर मिल्क आ जाता है, पाउडर मिल्क आप लाजमी, जो बच्चा आपका पाउडर मिल्क लेता है वो आप लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जो पाउडर मिल्क है वो सूट ना करे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करता, आपको ख़ुद बच्चे को पाउडर मिल्क पे लगाना पड़ता है। जैसे मेरी भाभी ने मुझे एप्टा मिल्क जो है वो बताया था, तो मैंने वो रहान को दिया था, तो काफ़ी बच्चों को वो सूट कर जाता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं एप्टा मिल्क, अगर आपके बच्चे को सूट करे तो बहुत ही अच्छा है वो। और यहाँ पे आई थिंक 12 पाउंड्स में जो है वो उसका अच्छा खासा बड़ा बॉक्स मिल जाता है, जो आपका वीक जो है वो एक वीक जो है वो निकाल जाता है, तो आप वो ले सकते हैं एप्टा मिल्क। उसके बाद आ जाता है डायपर्स,
डायपर्स भी आप ज़रूर अपने साथ लेके आइए, एटलीस्ट 15 डेज़ या फिर 30 डेज़ के डायपर्स आप अपने साथ लेके आएँ। यहाँ पे डायपर्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को हो सकता है वो डायपर सूट ना करे और उसको रैशेज हो जाएँ, तो बेहतर है कि आप जो है वो यहाँ से डायपर भी लें। दिन में जितनी बार बच्चा डायपर यूज़ करता है 50-50 करके, जैसे आधे वो वाले डायपर्स यूज़ कर लिए जो आप लेके आए हुए हैं, आधे डायपर्स जो आपने यहाँ से लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सेटल हो जाएगा तो आप बेशक जो है वो डायपर्स यहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं। हम सेंसबरी से लेते हैं, 3 pounds का 48 डायपर्स वाला मिल जाता है। उसके बाद आती है रैशेस क्रीम, वो तो आप लाजमी लेके आएँ क्योंकि वो आप सफ़र में भी आते हुए बच्चे के ज़रूर अपने बैग में रखें, और इसके अलावा यहाँ पे भी लेके आएँ। यहाँ पे जो रैशेस क्रीम है वो हो सकता है आपके बच्चे की स्किन के हिसाब से ना हो, और आप पाकिस्तान और किसी एशियन कंट्री से लेके आएँ तो वो आपके बच्चे की स्किन के हिसाब से हो, तो ज़रूर लेके आएँ। जैसे बड़ों, उसके बाद आ जाती है बड़ों की मेडिकेशन आ जाती है, उसमें ये है कि बड़ों की मेडिकेशन के लिए, जैसे आई हैव अ माइग्रेन इशू, तो मुझे माइग्रेन इशू है तो मैं अपनी माइग्रेन की जो टैबलेट्स हैं वो साथ लेके आई हूँ, और वो स्टॉक करके लेके आई हूँ, और मुझे जहाँ जब लगता है कि ये ख़त्म होने वाली हैं तो अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा हो तो मैं मंगवा लेती हूँ उससे, क्योंकि यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिलना फिर आपका चेकअप होना काफ़ी देर लग जाती है। और जो तीसरी चीज़ मुझे बतानी थी आपको वो ये थी कि यहाँ पे जब आते हैं हम यहाँ पे तो हम हलाल फूड खाते हैं, तो हमें हलाल फूड का इशू होता है, तो यहाँ पे एक जो चीज़ हमें यहाँ के पता चली थी वो ये थी कि यहाँ पे जिस चीज़ पे सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस लिखा हुआ है वो आप खा सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है चीज़ में जो आपके लिए जो है वो हराम कंसिडर हो। और चौथी चीज़ ये कि ट्रेन लाइन आपको करनी है लाजमी अपने पास, क्योंकि उसी से आप टिकट भी बुक कराएंगे, उसी से बस के टिकट भी होंगे और ट्रेन के टिकट भी होंगे जहाँ पे भी आपको ट्रैवल करना हो। और मैं आपको बताऊँगी एक और एप्लीकेशन का नाम जो है यूनी डेज, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इस पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिस्काउंट अवेलेबल है, जैसे ऊबर ईट्स हो गया, डिलीवरो हो गया, जो भी आपको अगर फ़ोन बाय करना है तो 3 वाले भी डिस्काउंट देते हैं यूनी डेज़ पर, तो ये डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं यूनी डेज़ की एप्लीकेशन पे, और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं भी जब यहाँ आई थी तो मुझे भी मेरे एक जो है वो क्लास फेलो हैं उनसे ही पता लगा था, तो मैंने किया था और मैंने उसके बाद ऊबर ईट्स पे, डिलीवरो पे जो है वो काफ़ी डिस्काउंट अवेल किए हैं वहाँ से, तो आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा।